अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, मैं बात करती हूँ। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आपने जो है आपका कितना रह गया, मतलब कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो? जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, साथ साथ आप कवर कर रही हैं? यस मैम, साथ साथ करने लगी हुई हूँ। और जनरल डेवलपमेंट की वो जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया मैं। ठीक और बाकी जेंडर डेवलपमेंट के भी नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि अभी मैं फैमिली मूवमेंट से है, कोई बनाया है, बात नहीं, इनके कोई नोट्स बात नहीं। इंशाल्लाह लेकिन कल तक मैं मिलेगा। देखिए ना, मेरे पास सिर्फ आपका रह गया है जेंडर एंड गवर्नेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस और स्टेटस ऑफ वुमेन। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर वो हम चाहें तो एक ही लेक्चर में कवर भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं कराऊंगी कवर, ठीक है? लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों ने अपने पार्ट पे करना है। जो आप लोगों का कोई चीज रह तो नहीं गई है, ज्यादा मसला है तो आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स का है। बाकी क्लास में तो मैं आपको वर्ड है वो कंप्लीट दे देती हूँ। फेमिनिज्म हो गया, मूवमेंट्स हो गई, वेव्स हो गया, हर चीज हमने कुछ क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है? सिलेबस आपके सामने, हमने कोई चीज स्किप भी नहीं कर रहे हैं। इसका बेसिकली सिलेबस शॉर्ट होता है, लेकिन ये जो मुश्किल पार्ट होता है ना, सोशल कंस्ट्रक्शन और थेरीज और ये जेंडर एंड डेवलपमेंट, पीछे हमारा बिल्कुल इजी पीजी रह गया स्टेटस ऑफ वुमेन पाकिस्तान। उसमें आपको मेरे से ज्यादा ही शायद पता होगा कि वुमेन्स की हेल्थ स्टेटस इन पाकिस्तान क्या है, ठीक है? उनकी एजुकेशन का क्या स्टेटस है? इवन वो आप कहीं से नहीं भी पढ़ेंगे तो वो इतने जेनेरिक होते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ इट, ठीक है? अच्छा अवैस, आप कह रहे थे कि आपने कोई साथ में बुक पढ़ी है, उस बुक में कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं आपको नजर आई जो हमने क्लास में ना डिस्कस की हो? नहीं मैम, तो डिस्कस तो की है आपने, लेकिन थोड़ा सा ना वो कंफ्लिक्ट है। एक थ्योरी में किसी किसी बात का वो प्रो जा रहा है, दूसरी थ्योरी में उसी बात के एंटी जा रहा है। क्या मतलब उसने सारा मिक्स करके लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही उसमें से? जी, बिल्कुल ही मिक्स करके लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब आपको जो कल मैंने स्लाइड्स दी हैं और जैसे आपको पढ़ने का तरीका बताया वो आप लोगों को समझ आ गया? मैं आप लोगों से बार बार इसलिए पूछ रही, अवैस आज क्लास के मतलब 10-11 बजे आपने मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। जो आपके दो मिसिंग लेक्चर्स है ना वो मैं आपको दे दूं, ताकि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बराबर हो जाए इनके साथ, ठीक है? मैम एक चीज, वो मैंने भी लेक्चर सुनना है, साथ साथ अगर थ्योरी एप्लीकेशन करवा दें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बेटा हमने साथ साथ थ्योरी एप्लीकेशन की है, कोई थ्योरी रह ही नहीं गई। आपने क्लासेस मिस की, यही तो बता रही हूँ आपको कि जैसे ही क्लास एंड होती है, लाइक मेरी इसके बाद वन पेपर वालों की है, ठीक है? वो 11 बजे का इसलिए आपको टाइम दे रही है, आप 11 बजे मुझसे कांटेक्ट कर लें, आप अपनी ठीक है, रिकॉर्डिंग लें, ताकि अगर उसमें कोई क्वेश्चन है, बेटा हमारा तो ये कंप्लीट होने वाला है। बाकी रह गए हैं टेस्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन रह गया, जेंडर एंड गवर्नेंस रह गया, और ये बहुत जेनेरिक है। इसको अगर आप कहें ना, आज भी खत्म हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आज नहीं कंप्लीट कराऊंगी। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि इसमें कोई पीछे कोई चीज रह गई नहीं है, जो बेसिक चीजें हमने वो सारी कवर कर ली है, और ये आपके सामने सिलेबस है, ठीक है? अच्छा अली, आपने कोई क्वेश्चन मैम पूछना? जी अवैस आप कंप्लीट कर लें। जी अवैस बताइए। कह रहा था अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि क्लास और कैपिटल के बारे में, तो इसमें हमने बेटा अप्लाई अभी करनी मेरी है इसकी बात थ्योरी सुने, मार्क्स। अभी ना हमने पास पेपर भी डिस्कस करने हैं इसके बाद, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, आप इसके साथ साथ स्टडी करते रहें। जो मैं आपको काम दे रही हूँ इसके फौरन बाद, क्लासेस खत्म नहीं हो रही, आपका ये कंप्लीट करा के सिलेबस मैंने जैसे स्टार्ट में शुरू कराया था ना, आपको पास पेपर डायसेक्ट कराए थे आउटलाइन, वो हम 4 सालों के तो हैं हमारे पास पेपर, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए ठीक वो है मैम, आपके सामने उससे बाहर तो नहीं अब जा सकता। देखिए जब हम सिलेबस ही सारा कर रहे हैं, पास पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बाहर क्या चीज रह जाएगी? कोई भी नहीं रह जाएगी। जो आपको आज मिल जाएंगे ना लेक्चर्स रिकॉर्डेड वन, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप वो वाले देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? जी अली कैसे हैं आप? जी सलाम अलैकुम। मैं सिकरा, कैसे हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम।
जी अली, मैं ये पूछ रही थी आपका कोई पीछे जो हमारी बेसिक पार्ट है, लाइक हमारा 80% सिलेबस कवर हो गया है, उसमें आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आज मुझसे डिस्कस कर लें। नहीं नहीं सिकरा, ऐसे है कि जब मैं अपना मास्टर्स क्लियर कर रहा था तो लास्ट में मेरे कोर्स था जेंडर का। अच्छा, वो मैंने लिया हुआ था। तो फिर आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? मैं आपके पास क्या करूं? वो आपका पढ़ाने का जो पॉइंट्स का तरीका है वो मुझे अच्छा लगा, मैं इस वजह से आया। मैं कहा चले जो आपका नॉलेज है उसमें से, मैंने आपको पहले कहा था इंसान अब्सॉर्ब करता है। मुझे लगा कि शायद आपका सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इन दोनों का तो नहीं था, तो एनीवेज फिर तो आपको तो कोई मसला नहीं हुआ होगा। और बाकी आप भी अपने पॉइंट्स बता दें, आपने तो एज अ सेमेस्टर पढ़ा हुआ, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। रिकॉल होती क्योंकि मुझे ये रिकॉल होती जाती थी। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट ईयर, तो ईयर के बाद जब हो रहा था तो ये कि मुझे आइडिया था क्योंकि मैंने किया हुआ है, लेकिन अच्छा था कि उसको अभी जाहिरी बात है एट सीएसएस लेवल वहां पे क्या करते हैं, इधर किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है उधर इधर, डिफरेंस है अटेम्प्टिंग में डिफरेंस है। अच्छा, अभी हम ना इसके बाद ये कंप्लीट करके ना पास पेपर भी कर लेंगे, 4 इयर्स के ही हमारे पास अवेलेबल है। इससे पहले तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया था उन्होंने। आज मैं आपसे स्टेटस ऑफ वुमेन पाकिस्तान, वो अगर हम डिस्कस नहीं भी करते तो ये करना ही फजूल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसी चीजों पे अपनी इनपुट या अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, ना आप लोगों का करती हूँ जिसका कोई कोई आउटपुट नहीं है। देखिए, आप स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान मेरे से ज्यादा आपको पता होगा, हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, ठीक है, ये तो हमारी कॉमन जो डे टू डे लाइफ की चीजें वही हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, इसके फैक्ट्स वगैरह के लिए सिंपल आप एक स्लाइड को कंसल्ट करें, स्क्रीन शो हो रही हो तो बताइएगा। बिल्कुल स्क्रीन शो हो रही, क्रिस्टल क्लियर। इन पाकिस्तान सिर्फ आपको अपडेटेड फैक्ट्स चाहिए, ठीक है, बाकी इसमें कोई वो रॉकेट साइंस है नहीं जो कि आपको ना पता हो या मुझे ना पता हो, ठीक है। ये 2-3 स्लाइड्स को आपने कंसल्ट कर लेना, मैं फिर भी आप लोगों के सामने ओपन करके आपको बता देती हूँ कि ये अभी करंट स्टेटस है, ठीक है। और सबसे अथेंटिक जो होता है ना, अगर आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर चले जाना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनकी वेबसाइट पे अप टू डेटेड अथेंटिक डेटा होता है और आप लोगों का टाइम भी सेव होता है। रेफरेंस देखते हैं ना वहां से? जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। कितने रेफरेंस और सोर्सेज होती हैं मिस कर, वर्ल्ड बैंक हो गया। हमारे लिए जेंडर के लिहाज से ना, ये स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान में खासतौर पे जेंडर में सिर्फ 2 ही ज्यादा कोड किए जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, रिपोर्ट्स, प्यूज सर्वे, ठीक है, उसके बाद ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये 3-4 बेसिक है। अच्छा, एक शॉर्ट टिप भी है, एक और बड़ी मजे की है, आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू बी वेरी स्मार्ट। सारा कुछ तो आपने इतना स्ट्रेच से किया है, ये जो आपके सामने लिस्ट ऑफ बुक्स है ना 20, कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। अब ये जो स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, उसमें आप उसके क्वेश्चन में आप इस चीज का ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट का रेफरेंस जरूर दें, पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि आज आके चीजें तो यही है ना, ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल है मुझसे करा, जैसे अब ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है, अब वो जो पेपर भी चेक कर, उसको भी तो जरूरी नहीं इतने रेफरेंसेस का सब कुछ पता हो। तो यही तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोगों ने, वी नीड टू बी स्मार्ट, हम लोगों ने इधर ये 15-20 रेफरेंस याद कर लेने, और जहां पे रेलेवेंसी बनती हुई लाइक फेमिनिज्म में आपने 11 और 12 वाले को हाईलाइट कर दें, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान में हाई कमीशन को रेफरेंस कर दें, बेसलाइन रिपोर्ट को रेफर कर दें, परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ वुमेन को रेफर कर दें। Are you getting my point? 2-3 reference आपने just बता देने, वो कौन सा उसने भी कोई MPhil किया हुआ है या उसने PhD अगर किया भी हो, तो ये दुनिया और knowledge इतना vast है, no one can actually, और उनके पास इतना time नहीं कि आप कोई topper लगे हुए हैं, आपका paper वो इतना analysis करके पढ़ेगा, किसके पास भी time नहीं होता, ठीक है। The way you present, और उनको इस चीज से concern भी कोई नहीं है, मजे की बात है, उन्हें बस इस चीज से कंसर्न है कि हाउ
यू प्रेजेंट योर डेटा, हाउ यू मतलब रिप्रोड्यूस इट, कहाँ कहाँ से आइडियाज आपने, क्या रेलिवेंसी है, क्या क्लैरिटी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर द इम्पोर्टेंट डिमेंशन जो वो देखता है. बाकी सारी चीजें उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो बाकी चीजों पे इग्नोर भी कर देता है. ठीक है, अच्छा जी, ये आपने अपने लिए आसानी करनी है. दो दो राइटर नहीं तो एक एक, जैसे फॉर इंस्टेंस मोना है तो उसने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए काम किया है, आपने उसका रेफरेंस दे देना है. इसी तरह से आपने जो है नाइला है, उसने रियलिटीज के बारे में, जहां पे भी आपको एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक जब आप बुक पढ़ेंगे ना उसमें आपको एक थ्योरी भी मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बिल्कुल एक एक लाइन की थ्योरी है उसमें. तो आप कैसे करती हैं, यानी दिस इज द राइटर एंड दैट्स द बुक नेम? मैं बता रही हूँ ना आपको कि नाइला लिखा हुआ ना, तो रिवर्स रियलिटीज उसकी बुक है. तो अब हमने पूरा तो नहीं पढ़ना ना, मैंने तो दो तीन बुक्स जो कंसल्ट की थी वो सारी रबिश ही थी. ये इसने पढ़ के एक्सपेरिमेंट भी कर लिया वैस ने. नहीं नहीं नहीं, वो जस्ट कह रहा हूँ, जैसे हम पेपर में लिख रहे हैं, अब रुबीना है, अब रुबीना का ये द स्टेट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ वुमन स्टडीज है, तो वो लाइन जैसे मेंशन करते हैं ना, वो आप किस तरीके से करती थी? लाइक मेरी बात सुनिए, अकॉर्डिंग टू रुबीना या अकॉर्डिंग टू रुबीना एंड साइगल, या फिर जो बात आपने लिखी उसके बाद लिखे सोर्स कोलन, उसके बाद आप बुक का नाम लिख दें, एक ये वे है. दूसरा वे ये है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, कोमा डाल के रुबीना, फिर कोमा डाल के, मतलब आपने प्रेजेंट करना. आपने कभी थीसिस लिखे? थीसिस नहीं, थीसिस हमारा नहीं था. हमने थीसिस के लिए सर कोई लिखी है छोटी मोटी रिसर्च वगैरह सारी की. अच्छा, रिसर्च की सिंपली आप जैसे वहां पे साइटेशन देते हो ना, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको इवन बुक का नाम नहीं भी पता या हाली ऑथर का नाम नहीं पता तो एक चीज से भी गुजारा हो जाता है. एज पर द बुक नेम्ड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, द राइटर हैज enlightened us about जो भी आपने पॉइंट अपना देना. ठीक है, ये आप रेफर कर रहे हैं उसको, साइट कर रहे हैं. अब किसी को एम्बिग्विटी इस चीज में, आपने सारी तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर 8-10 को याद रहे और इनको यूज कर लें तो वो बहुत इम्प्रेस होगा कि भाई आपने तो, भाई आप तो महान है. ठीक है, अच्छा अगर किसी को शौक हो ना, अगर किसी ने, यहाँ पे नहीं सीएसएस में वैसे इतना टाइम नहीं होता टाइम वेस्ट करने का, लेकिन अगर किसी को बहुत एन एक्स्ट्रा माइल जाना है, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली मेंशन करूंगी, डोंट गो विद द परफेक्शन, डोंट गो विद द प्रिसिजन, इट विल टेक योर मस्ट टाइम और अल्टीमेटली कोई बिल्कुल नॉमिनल सा डिफरेंस क्रिएट होता है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है. बट यू कैन डू कि अगर आप लोग इसका एब्स्ट्रैक्ट कहीं से पढ़ लें, गूगल बुक्स में हर चीज का एब्स्ट्रैक्ट पड़ा होता है. ठीक है, अगर आपकी नजर से हाली एब्स्ट्रैक्ट गुजर जाए, लेकिन अगेन दैट्स एन एक्स्ट्रा हैसल. अगर आपका पिछले वाला पूरा तैयार और आपके पास करने को कुछ नहीं है, फिर ही करें ये हरकत, अदरवाइज जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, बाकी बताएं, साइटेशन हो गया, कैसे उसको लिखना है, डेटा को प्रेजेंट करना है, दोनों को क्लियर है? वैस नूर दोनों मेरे साथ साथ ही हैं, अली के साथ मैं बात कर रही. अच्छा, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है, ये मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ फाइल, कुछ भी नहीं करना, ये वुमेन इन पाकिस्तान है, देखिए इसमें तो इतना ज्यादा होलिस्टिकली दिया 67 पेजेस का. अब अक्लमंद वो है, ये नहीं कि सारा पढ़ने बैठ जाए. ठीक है, हमने इसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकालनी है, कंट्रोल एफ करके वो कर लेनी है. मिसाल के तौर पर issues for women, critical issues for women in Pakistan, एक, ठीक है, ये important है. दूसरा, उसने हमें health का पूछा है, ये देखिए, health and nutrition, education and training, जो चीज उसने हमसे पूछी है ना, बस हमने उतनी करनी है. ये देखिए, employment, law, education और health, simple. आप control F करें, वैसे तो आपको ये सामने पता लग गया, जरूरत ही नहीं पड़ी आपको. legal page 10 पे है, health 6 पे है, और दूसरी उसने एजुकेशन 2 पे है, और क्या एक चीज पूछी है उसने, लॉ एम्प्लॉयमेंट भी पूछा है. ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट का उसने
मैं देखती हूँ, लेट मी चेक कि उसने दिया कि नहीं। इसमें आपको अपडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएंगे। अपडेटेड? ये अपडेटेड है, ये जो इनके कॉन्फ्रेंसेस पेपर होते हैं ना, ये अपडेटेड होते हैं। आई थिंक पहले इसको डाउनलोड करके ये फिर ही कंट्रोल एफ करेगा। यहाँ पे स्क्रीन शो में कंट्रोल एफ नहीं आ रहा, तो आप इसमें जब करेंगे ना कंट्रोल एफ से एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी आपके पास आ जाएगा, ये इकोनॉमिक सिचुएशन में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कहते तो मैं आपको शो भी कर देती हूँ हेल्थ में जाके, अभी आपको आइडिया हो जाता है। ये देखे, ये बाकी सारी एक्स्ट्रा चीजें, हमने हमारा इनसे कंसर्न ही नहीं है। हमें जितनी बात कही गई है हमने उतनी करनी है। हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और अगर बहुत शौक आ रहा है तो एग्जेक्टिव समरी पढ़ लें, वो एक दो पेजेस की होती है। स्ट्रैक्ट होता है वो पढ़ लिया करें, बाकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट करना। अब ये देखिए इनके ऑब्वियसली 67 पेजेस के, तो 3 पेजेस पर उसकी एग्जेक्टिव समरी चली गई है। अब ये देखें, समझ लिया उन्होंने, आपका पेट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी तैयार करके दिया हुआ है। लेट मी जूम इन, ये देखिए, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इज नॉट होमोजीनियस। अब ये जो इतना से लिखा है ना पूरी बातें, कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सबऑर्डिनेशन है, बाय फोर्स है, पेट्रार्की है, क्लासेस है, ये देखिए, ये आपके पास उसका आ गया। इसी से आपका क्रिटिकल एनालिसिस भी निकल जाएगा, प्लस हमें डेमोग्राफिक्स को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें बैकग्राउंड है। अगर तो करंट होता तो वो कोई और चीज होती, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं करने की जरूरत। जितनी बात उसने हमसे पूछी हमने उतना ही करना। ये देखिए जी, एजुकेशन ट्रेनिंग आ गया। ये देखिए, पहली दफा जो है हमेशा बेस ईयर में उसने आपको लिटरेसी रेट बताया 1947 में कितना था, 45%। ठीक है, और अभी कितना है, 60%। ये सही है, कंपैरिजन किया हुआ उसने, कहा अभी भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है रूरल और अर्बन एरियाज में। मतलब कि उसने आपके आसानी के लिए सब कुछ कर दिया। अब ये नहीं कि आप इसको टेबल को मेमोराइज करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही होता है। अगर इस तरह की चीज याद रहे तो अपने एस्टिमेटेड फिगर्स के साथ बना लिया करें, मैं तो ऐसे ही करती थी। उन्होंने कौन सा जाके कंपेयर करना, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट। अब ये देखिए एजुकेशन पे कितना ज्यादा है। ठीक है, अब आपने पूरा जस्ट एक दफा पढ़ना है और उसको लिख देना है, और दूसरा उसने आपकी आसानी के लिए ये भी कर दिया है, इश्यूज और प्रॉब्लम्स को समराइज कर दिया एजुकेशन लेवल पे, ये समरी भी दी हुई है। जी बेटा, जी बेटा, नो जी बेटा, आई एम हियर। तो मैं अपने रिजल्ट जो है वो कोट कर सकती हूँ बेटा? बिल्कुल कर सकती है, मैं यही तो आपको कह रही हूँ, आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है, वो इम्प्रेस दूसरों की बातों से ही होता। ठीक है, नहीं बात सच्ची बतानी चाहिए ना, हम अपनी बात भी कह दे। फॉर इंस्टेंस, एक आपने अपने वाला रेफरेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी हम, वी आर लिविंग इन द कॉलोनियलिज्म माइंडसेट, अभी भी वही हमारा माइंडसेट है। चाहे हम क्या करते हैं, आज मैं पढ़ रही थी एक जगह पे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे आई गॉट टू नो, से पहले मुझे भी नहीं पता था ये हरकतें होती हैं। करते क्या है, एक्सपोर्ट कर देते हैं चीजें, ठीक है, और उसके बाद इनको खुद से दोबारा से जरूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने फिशेज है ना, इन्होंने डेयरी में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, डायरेक्ट कराची से पहुंच गई है आपकी फिशेज उनके खराब होने से पहले। अब उधर से हम भला क्या मंगवाते हैं, वो जो उसके कैंस होते हैं ना फिशेज के और प्रॉन्स के, हमारी चीज हमारे हमें वापस कर रहे होते हैं वो। ठीक है, और उसके बदले में हमसे कितना ज्यादा वो अर्न भी कर रहे हैं, इकोनॉमी भी उनकी बूस्ट कर रही है, टैरिफ्स हम अलग दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वी एज अ नेशन हम लोग पागल हैं। ठीक है, हमें अगर कोई चीज में
मेड इन पाकिस्तान आ गया ना तो हमारा दिल ही खराब हो जाता है, हमें कहते हैं, हमें लगता है कि चीज ही नहीं अच्छी है। वही चीज अगर बाहर से घूम घुमा के दुबई से होके पाकिस्तान आए और कहेंगे क्या बात है, ऐसी चिकास चीज तो हमने आज तक नहीं देखी। दुबई में हमारे आम वगैरह और हमारे फ्रूट्स बड़े जबरदस्त थे। अच्छा। और भी मैंने जब नो डाउट उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है पाकिस्तान, और वो आम वगैरह इधर मुझे नहीं दिखे, परफेक्ट। मैं वही आपको बता रही, आपकी आवाज थोड़ी कम है। एनीवेज जो है ना ये इट्स साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये हमारा साइकोलॉजिकल इशू है। मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा कि जाओ मार्केट से ना कोई, उसको मशीनरी कोई चाहिए थी कोई किचन वेयर में ना कोई, तो मैं वहां पे जाके मुझे कितनी अच्छी लगी। तो जब उसके ऊपर मैंने उसको पिक्चर भेजी, वो कहती नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये तो मेड इन पाकिस्तान। मैंने कहा यार चीज वही है, अच्छी है लेके तो देखो। मतलब मैं, हमारा ये माइंड सेट है, शायद हम लोग थोड़ा चेंज हो गए हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों का अभी भी वही माइंड सेट है। वो कहते हैं नहीं जी हमें बाहर वाली चीज ही चाहिए। अच्छा जी वापस आ जाए, आपने सिर्फ ये चंद पेजेस हैं, इनको प्रिंट करके अपने सामने रखने हैं, हाईलाइटर पकड़ना है, इसको एक बार रीड करना है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वो आउटडेटेड मेथड नहीं करना, इसको रीड करना है, अपने नोट्स बनाने। व्हाई यू हैव टू वेस्ट योर एफर्ट्स, फजूल है। फॉर इंस्टेंस अब मेरे भी आजकल एग्जाम है, पहले मैंने एक दफा अपने टीचर के साथ सारा पढ़ लिया था अप्लाइड अकाउंटेंसी, ठीक है, हमारा पेपर होता है। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ पढ़ने का वे, इट हेल्प आउट इन द लॉन्ग रन। आप नहीं पढ़ते सही तरह से तो ये आप अल्टीमेटली आपको फायदा नहीं होता। हमने क्लास में जो पढ़ा सो पढ़ा, सब जैसे ही पढ़ते हैं ट्रेनिंग में, जैसे का पढ़ते हैं सब वैसे का ही हमने पढ़ा। एनीवेज मैं आजकल पास्ट पेपर सॉल्व कर रही थी, तो पहले मैं क्या करती थी, मैं हर चीज का माइंड मैप बनाती थी और ये वो टाइम वेस्ट करती थी, नोट्स बनाती थी। अब नाउ आई हैव लर्न कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। 50-60% कोर्स तो सर के साथ ही कवर हो गया। अब मैं डायरेक्टली पास्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ और मैं क्या करती हूँ, लाइक जो क्वेश्चन है उनको जस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमारा भी ये जो थ्योरी वगैरह का पार्ट होता है वो कॉपी पेस्ट होता है, और उन्हें भी जस्ट लाइक सीएसएस, क्योंकि लेना तो एफपीएससी नहीं है, ये प्रमोशनल एग्जाम। अभी भी वही माइंड सेट है कि भाई ज्यादा ज्यादा लिखना, हेडर्स देना, प्रेजेंटेशन पे काम करना, चाहे अंदर कुछ ना लिखा हो, ठीक है, अभी भी ये माइंड सेट प्रिवेल करता है। आप देख लें प्रमोशनल एग्जाम है, इसके बाद इवन हमारे एमएमसी एमएनसी जो भी होंगे 18-20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, उसमें भी यही माइंड सेट है, माइंड सेट नहीं चेंज हो सकता। पहले मैं क्या करती थी कि मैं हर चीज को पढ़ती थी, नोट टेकिंग बुलेट्स बनाती थी, बहुत टाइम वेस्ट करती थी। वट आई हैव लर्न इन दिस शॉर्ट टाइम कि नहीं भाई, जो चीज हमें चाहिए, मैं क्यों कह रही हूँ, ये रेलिवेंट पोर्शन को जस्ट प्रिंट करें, प्रिंट करके, या आपके पास अगर इसी में ऑप्शन है साइटेशन की, मतलब एक पीडीएफ एनोटेट वाली ऑप्शन भी होती है आपके लैपटॉप मोबाइल में, वो एनोटेट वाली ऑप्शन ऑन करें, जो आपकी रेलिवेंट आपकी चीज है उसको हाईलाइट करें। जस्ट आपने हाईलाइट कर लिया, वही आपने उसको प्रिंट ले लिया, वो आपका काम रेडी है। अब आप इसके नोट्स बनाए, लड़कियां खासतौर पर ये काम जरूर करती हैं, उनको तसल्ली नहीं होती। वी नीड टू बी स्मार्ट, हमें तसल्ली से कोई लेना देना नहीं, हमने अपना पेपर, हमने अपना कोर्स जल्दी कवर करना है ताकि हम क्विकली रिवीजन पे आए, वन पेजर पे आए, ठीक है। पहले मैं उसको नोट्स बनाती थी और इतना कुछ करती थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो टर्म जहाँ पे है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ऑब्वियसली मैंने पढ़ा हुआ है मुझे ही पता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहीं भी सॉल्व किए एक्सेल में। और समझ लें एक तो हमारा हैसल ये होता है कि जब स्कैटर डेटा होता है ना, वही हमारा माइंड ना पजल हो जाता है, वो समझता नहीं है कि हमने क्या चीज पिक करनी है और क्या चीज छोड़नी है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब एक चीज एक जगह पे ऑर्गेनाइज है, लाइक मैंने इतने दिनों से मैं कंप्लेन कर रही थी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द है और ये वो स्ट्रेस, हर एक को होता है, एंजाइटी होती है। अब मैंने क्या किया, 45 मतलब हमारा जो मैं 46 की हूँ तो पिछले 5 सालों के मैंने पेपर सॉल्व करने हैं, 45th, 44th, 43rd, इतने दिन से कंप्लेन कर रही थी नहीं किया। आप 3 consecutive days में 3 consecutive पेपर्स किए, बल्कि सिर्फ उसके पेपर्स नहीं किए, एक और सब्जेक्ट भी किया। सो अगर आप स्ट्रक्चर्ड होते हो और आपको चीजें पता चल गई हैं कैसे करनी है तो आप कर लेते हो। मैं आपको ये सारा कुछ क्यों बताती हूँ, शायद कि कोई और टीचर बॉदर भी ना करे, वो कि मुझे क्या लगे भाई, जैसे पढ़ रहे हैं
मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है बस गाइड करना, बाकी तो बच्चों की अपनी बात है। हालांकि मुझे ये लगता है पर्सनली ये गलत कर जाते हैं टीचर। टीचर्स का ये एक्सपीरियंस होता है, टीचर इस प्रोसेस से एक दो बार गुजर चुके होते हैं। उनको चाहिए कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी दे ऑलरेडी नो, सबको पता है क्या स्टडी करना है। हाउ दे नीड टू स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब आपने सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है जो उसने कहा है, लॉ, इकोनॉमिक, हेल्थ, इससे बाहर नहीं आपने जाना। जब आप ये पढ़ेंगे इसी के ऊपर हाईलाइट कर लें या प्रिंट करके हाईलाइट कर लें, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो जिसको कहते हैं ना एक हैसल, वो आपकी खत्म हो जाएगी। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आए इधर से फैक्ट्स एंड फिगर दो तीन बार नजर मारे हाईलाइटेड और आगे चल गए, ये आपका पूरा एक पार्ट कवर हो गया। ये देखें इसमें सॉरी शेयर किया हमारे साथ, आई मीन कर दिए। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे आदत पड़ी हुई है ये सबको, इवन वहां पे अपने जूनियर्स को भी मैं कह देती हूँ बेटा, असल में मैं बहुत ज्यादा यूज्ड हो गई हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। तो एक दिन मैं अपने बड़े भाई को कहती हूँ बेटा क्या हाल, मेरा भाई कहते हैं बस कर दो। मैं तुम्हारा छोटा भाई तो हूँ नहीं, अब तुम्हारा बेटा तो हूँ नहीं, तो मेरी आदत है, इसलिए डोंट टेक इट लाइक कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये हो गया। अब ये बात नहीं, ये देखिए लीगल स्टेटस में सबसे मजे की बात ये होती है इंटरनेशनल बुक्स की, ऑथर्स की, इनकी देखिए क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर ख्याल हो या कभी आपकी नजर से गुजरी हो इंटरनेशनल रिवीजन, वो क्या करते हैं, ना सिर्फ टर्म्स देते हैं, साइड में उसके रिवीजन के लिए डेफिनेशन भी देते हैं, एंड पे उसकी समरी देते हैं। मतलब आपको इतनी बार वो बताते हैं कि आपको फर्दर नोट्स बनाने की, मटेरियल कलेक्ट करने की हेडिक से निकल जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया? और हमारी बुक्स देखे कॉपी पेस्ट वही है, ना किसी का सर है ना किसी का पैर है, ना पता है कौन सा टॉपिक शुरू हुआ और खत्म कब हुआ, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। बहुत बुरा हाल है जेंडर की बुक्स का, बहुत बुरा हाल है क्रिमिनोलॉजी का, बहुत बुरा हाल है गवर्नेंस की बुक का। रीजन एक तो ये नहीं आई है, हमारे जैसों के पास टाइम नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो बहुत अच्छी बुक लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे आधी से ज्यादा बुक मैंने एसे की मतलब की हुई है मेरे अपने एसेस की, लेकिन गॉड नोस कब मुझे टाइम मिलेगा, मैं कब उसको कंप्लीट करूंगी और कब वो सारे मामला देखूंगी। लेकिन ये है कि मैंने काफी हद तक उस पर काम किया हुआ है अपनी बुक पे। जब तक न्यू लॉ लेकिन स्मार्ट वर्क में भी वी आर गोइंग इन डेप्थ। ये नहीं कि अगर जिसको क्या कहते हैं खाना पूरी नहीं हम कर रहे। ये देखिए जी सिलेबस आपके सामने, ठीक है, ये देखिए आप मुझे इसमें से एक भी क्वेश्चन पढ़ के बताएं कि जो जिसके टर्म या कोई चीज आपको ना पता हो। ये देख ले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फर्स्ट फाइव है और वो हम कर चुके हैं, 80% हमारा कंफर्म है। मतलब 5 क्वेश्चन करने और इनमें से जरूर आ जाते हैं। मतलब आप ये नीचे वाले पार्ट्स नहीं भी करते ना तो भी यू आर ऑन द सेफ साइड। लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा कराऊंगी, ठीक है। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि MCQs अलग से तैयार करने की कोशिश नहीं करनी, हमें टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, हम लोगों ने इतना इन डेप्थ में जाके पढ़ा है कि MCQs इससे बाहर आएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए टेक इट इजी। आपने बेटा एक चीज नूर, आप थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो जाती, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यू नीड टू लर्न हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। मुझे भी ये चीज बहुत देर बाद आई, ठीक है, क्योंकि वी बींग अ गर्ल वो हम छोटी छोटी चीज पे डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी चीज पे नफासत प्रस्त वो होते हैं ना, हमें बहुत ज्यादा नफीस और डिसेंट और ऑर्गेनाइज्ड होने की आदत है। लेकिन ये देखिए आपने अपना टाइम देना है, आपके पास टाइम गिनती के वही 12 घंटे ही है, उसमें सब कुछ करना है। 12 घंटे तो इधर उधर के निकल गए, आ जाके आपके पास 12 घंटे और आप उन 12 घंटे को कैसे यूज करते हो ये मैटर करता है। If I were you, तो मैं क्या करूंगी, एक हफ्ता निकाल के ये पहले जेंडर कंप्लीट करूंगी, ताकि जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है ना, तो हम बाकी सब्जेक्ट बहुत जल्दी जल्दी कवर करते हैं।
मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं आज 3 दिन से पहले मैं बहुत ज्यादा इन स्ट्रेस थी, वैसे तो बात होती रहती है, वो इंडिविजुअल में भी है दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो मुझसे गाइडेंस ले रहा था और उसको मैं कह रही थी कि मेरा तुमसे भी बुरा हाल है, ठीक है, लेकिन अगर जब तक आप काम शुरू करना ही मुश्किल होता है, एक दफा आप कर लेते हैं और आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है तो बाकी कोई बड़ी बात नहीं, यू पीपल कैन डू इट। सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट है ना उसका स्ट्रक्चर पकड़े, उसको कंप्लीट करें। हम 10 चीजें खोल लेते हैं और आती जाती हमें एक भी नहीं है। अब आपने जेंडर शुरू किया ना, 1 हफ्ता 10 दिन दे इसको हर एंगल से तैयार करके इसको छोड़ दे, इसकी बुक्स को एक, इसके नोट्स जो आपने कलेक्ट किया है उस सबको एक जगह पे डालें और दूसरे सब्जेक्ट तैयार करें। जब आएगा ना दिसंबर जनवरी तब उसको निकालिएगा, जो है ना उसको रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करते हुए आपने 1 पेजर्स बना लेने, ठीक है। आपको तो बाकी लोगों को कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, उसकी वजह ये कि आपको सारा मटेरियल मैंने खुद प्रोवाइड किया, लिंक्स वगैरह, तो आपके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा मटेरियल में। रिटेन करना पढ़ना है वो तो बाप ने ही पढ़ना है ना, वो नहीं मैं आपके बिहाफ पे पढ़ सकती, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आप लोगों ने टेस्ट भी देने हैं तो वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, तो बाद में आपको कम टाइम चाहिए होगा। अच्छा जी, अब स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हो गया, अब एंड पे ये बेचारे छोटे छोटे से केसेस हैं, केस स्टडीज ऑफ मुख्तारा माई मलाला और शर्मीन उबैद चुनाए। सबसे बेस्ट है इसको विकिपीडिया से पढ़ लो, उससे ज्यादा अपडेटेड आपको कहीं और से नहीं मिलेगा इन तीनों को, लेकिन विकिपीडिया में इतना ज्यादा होगा आपको मैं बता देती हूँ, आपने 10 नंबर का आना है और उसको कैसे तैयार करना है। जी अली बताइए। इसके अलावा तो कोई केस स्टडी वो टच नहीं करते, मैंने पास नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इतने पेट क्वेश्चन आते हैं, यू विल अमेज टू नो कि भाई हर चीज में, अभी मैं पास पेपर आपसे डिस्कस करूंगी, आज आके एक फेमिनिज्म का पेट क्वेश्चन है 1, दूसरा वॉयलेंस पे 2, सोशल कंस्ट्रक्शन वाले में से 3, ठीक है, मतलब पेट क्वेश्चन है जिसमें से आने हैं, ठीक है। अभी हम पास पेपर जब करेंगे ना, आज बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि जो चीज हो रही है तो साथ ही हो जाए। बेसिकली ये आपकी समरी है, ठीक है, ये आपकी समरी, ये इसको अब्स्ट्रैक्ट, जो कंटेंट से पहले विकिपीडिया में ये वाला जो पार्ट होता है ना वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, ये पूरे जो अब तक हुआ है ना उसके स्टार्ट से लेके एंड तक। अच्छा, अब इसमें ना ज्यादा नहीं जाना होता आपने, ठीक है, इसको जेंडर, मुख्तारा मई को एक तो जेंडर में सिग्निफिकेंस क्यों मिली, ये जो इसकी है ना ये वाली इतनी सी, बोन क्या कहाँ पे हुई, नेशनैलिटी क्या थी, उसका ऑक्यूपेशन क्या था और वो किस लिए नॉन की जाती है, बस इतनी सी बात ये बताना चाहिए। ये 10 मार्क्स का है जी, ये 10 मार्क्स का है, ये अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, लिख ले इन चीजों को, मैं आपको साथ साथ बता रही, बाद में आपको भूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना, इसमें पढ़ना क्या है, ये एक इसके वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, और एक जो है ना उसकी ऊपर गुजर क्या है वो, ये 2009 टू प्रेजेंट, इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आप लोगों ने जस्ट 5 से 6 बुलेट्स निकालने हैं इसमें से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बल्कि इसकी आउटलाइन इधर बता देती हूँ, बना के दिखा देती हूँ ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। और ये पैक्ट है, यही आउटलाइन 10 नंबर की बाकी उन दोनों के लिए भी होगी, सेम वे है। एक मैं आपके सामने बना देती हूँ इंट्रोडक्शन, ये है क्या, कहाँ बोर्न हुई, क्या उसकी नेशनैलिटी थी, उसकी फेम की वजह क्या थी, एक चीज। जेंडर स्टडीज में इसको एज अ केस स्टडी क्यों डाला गया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट एक्टिविटीज थी और पाकिस्तान में इसका जेंडर के लिए इसने बहुत काम किया, तो इसलिए इसको प्रोमिनेंस मिली है। इसकी एजुकेशन, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इसके केसेस वगैरह होंगे बुलेट पॉइंट्स में, और फिर इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं,
क्रिटिकल एनालिसिस ये ऑप्शनल होता है 10 मार्क्स वाले में. अगर तो मैंने जो आपकी अच्छी स्पीड हो तो लिख ले, नहीं तो जरूरत नहीं है. और उसके बाद आपका कंक्लूड है, बस इतना सा काम है. ठीक है, इसकी आप एक चीज ये कर सकते हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन अलग से लिखते हैं बुलेट्स में. एब्स्ट्रैक्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा. ठीक है, अभी मैं कह रही थी कि हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी देख ले, हमें टाइम लग जाता है ना चीजें करने में. डन. मतलब उसकी पॉलिटिकल लेवल पे कंट्रीब्यूशन थी, इकोनॉमिक लेवल पे कंट्रीब्यूशन थी, सोसाइटल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पता कैसे लगेगा क्या इसकी कंट्रीब्यूशन थी. री शेयर करिए, आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा था ना. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेना था. अच्छा, ये जो है ना इसका लिंक, ये विकिपीडिया बेस्ट है इस लिहाज से, ये केस स्टडीज के लिए. ठीक है, टाइम सेव होता है, हर चीज आपके सामने. ये देखें, इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, इसमें लिखा हुआ है. ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती, वैसे तो आप विकिपीडिया से निकालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी फॉर योर रिकॉर्ड मैं भेज रही हूँ आपको. अच्छा, बाकी लोगों के लिए भी सेम है, मैं लिंक मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेती हूँ. ये देखिए, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट, ये रहा उसकी ब्रीफ इंट्रो जो आपने देनी है, उसका क्यों जो है उसकी मतलब नॉन फॉर फेमस क्यों है, अवार्ड्स क्या है, ऑनर्स क्या है. वैसे तो इन्होंने ज्यादा दिया हुआ है, इसी में आपका कवर हो जाता है. ठीक है. अच्छा जी, ये तो शेख हैं जस्ट लाइक अस, मुझे आज पता चला. अच्छा जी, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, करियर पे हमने इतना नहीं जाना, सिर्फ अवार्ड्स की बात करनी है. और उसके बाद ये देखिए, वही सेम चीजें जो आपने ऊपर उन्होंने अलग करके बताई थी, इनका लिखा हुआ है साइड पे. ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने ज्यादा दे दिया और इसमें साइड में भी दे दिया. ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू. इनका बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बताया. अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट फिगर है, बताती हैं कुछ लोग इसके टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक कहते हैं कि इसने जानबूझ के पाकिस्तान की नेगेटिविटीज को हाईलाइट करवाया और खुद फेमस हो गई है, मतलब पाकिस्तान को बदनाम करके. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, दुनिया को तो पहले भी पता था कि वो क्या करती है, यहाँ पाकिस्तान में औरत का क्या स्टेटस है. ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा जी, यहाँ था कोई क्वेश्चन? अवैस, नूर? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर. अच्छा, जब बिगनर कोई ऐसी की बात करता है ना, तो फिर एक वो एक आती है रिलीफ, भाई सब ठीक है. अच्छा जी, मलाला, उसके बारे में तो किसको नहीं पता. अच्छा, वो भी उसका भी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ही है, मतलब कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं और कुछ लोग उसको जो है ना नेगेटिव लेते हैं. मैं कुछ नहीं लेती, क्योंकि मैंने इतना उसको स्टडी नहीं किया, तो मैं कहती हूँ ठीक है, अगर उसमें कोई गट्स होंगे तो उसको मिल गया, तो अब हम उसको अच्छी चीज को तो ऐसे नहीं कर सकते ना. ठीक है,
अच्छाई बुराई हर जगह पे होती है, ठीक है, होगी वो प्लोए फॉरेन की, होगी वो जो भी आई आने वाले वक्त में कुछ बनेगी, लेकिन एक क्रेडिट तो उसको जाता है ना कि वो पढ़ती है यूनिवर्सिटी।